इसी के साथ हल्का सोने के बाद मैं कैप्सिकम डाल दूंगी। देखिए मैंने चाउमीन जल गई, अरे बाप रे, मेरी मेहनत की चाउमीन जल गई। मेरे जमाने में अगर YouTube होता ना तो आग लगा देती आग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ मम्मा के साथ चाउमीन। चाउमीन, एक तो मेरे मुंह से हमेशा चाउमीन ही निकलता है, चाउमीन कहते हैं, और आज मैं मम्मा की करूंगी बहुत ज्यादा हेल्प। थोड़ी सी करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, तो मम्मा को सुना रही हूं, अपन दोनों का सीक्रेट है बस ये। हाँ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ, तो बस अब मैं मम्मा के साथ चाउमीन बनाऊंगी, तो अभी मम्मा को बुलाती हूँ। वैसे आप लोगों को मेरी दो चोटियां कैसी लगी? मेरी तो बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये सुबह के 5 बजे से बंधी हुई है और मैंने मम्मा ने बोला कि इसको हटा दे रहे, सही नहीं लगी। मैंने कहा नहीं मम्मा, ये अच्छी लग रही है, मुझे आप सबसे शेयर करना है, सबसे शेयर करना है। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है भाई, एक बड़ी एक छुट्टी हो गई। मम्मा को बुलाते हैं। वैसे मम्मा, मम्मा आइए, ज़्यादा पानी वानी बॉयल करिए, चाउमीन नहीं बनाना क्या? चलो वहाँ कहाँ है मैडम, मैडम मैडम यहाँ, आज यहाँ पे लगाया है क्या मम्मा? किचन इतना बड़ा पड़ा यहाँ रखो, जितना कह रहे बस उतना सुनो, यहाँ रखो, हम यहाँ बनाएंगे किचन में। क्यों मम्मा इतना बड़ा किचन? किचन में स्पेस नहीं है, भरा हुआ है काम, दोपहर में खाना पीना बनाया। एक बात बताओ गाइस, आप लोगों को पता नहीं क्यों मेरे मम्मा के अंदर ये कि अपना किचन बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहती। आप लोगों की मम्मी भी ऐसी है बता दीजिए, सबकी मम्मी ऐसी है? नहीं सबकी नहीं, आपकी कोई मम्मियाँ होती हैं जो उनके हाथ में उनका किचन होता है, वो अपने किचन को किसी से शेयर नहीं करती हैं। बकवास मत करो, चाउमीन बना रही हूँ, कुछ बार हमारी बुराई कर रही हूँ सबसे। चाउमीन बना, चलो ऑन करो इंडक्शन, ऑन करो फटाफट, गैस थोड़ी ना है। ये नहीं, ये होता है, ये होता है, 2000 पे है। हाँ चलो ठीक है, अब ये पानी होगा बॉयल, हटाओ मेरा गंदी बात, ये करो। 2000 years later. अब मैं बॉयल होने का इंतजार कर रही हूँ। भाई साहब मैं तो थक गई, इतना 2000 साल से तो ये बॉयल हो रहा, अभी तक बॉयल ही नहीं हो पाया। वो मम्मा पीछे वैसे टेबल कट कर रही है किचन में और मैं यहाँ बॉयल होने का इंतजार कर रही हूँ। तो गाइस पानी उबल चुका है और इसमें आप लोगों को येलो येलो दिखता होगा इसलिए क्योंकि मम्मा ने इसमें ऑयल की कुछ बूंदे डाली हैं और सॉल्ट डाली है। तो ये अब जा आ रही है बारी चाउमीन डालने की। ए ए भाई साहब, भाई साहब कहाँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लो मार खाओ तुम, ये देखो यहाँ पे चाउमीन बन रही है, यहाँ का आप लोगों के साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही है। और यहाँ पे ये देखो यहाँ ऑयल गर्म होने का इंतजार हो रहा था और साथ में मैंने मसाले को भी कट कर दिया, मैंने मैजिक मसाला डाला था। और मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा प्याज को फ्राई करूँगी हल्का सा, क्योंकि चाउमीन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और फिर इसी के साथ हल्का सोने के बाद मैं कैप्सिकम डाल दूंगी और इसको भी मैं थोड़ा सॉटे करूंगी। हमारा मेरी तरफ कैमरा ले लूँगी क्योंकि मैं ओवर लिपसिंग कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और फिर इसमें मैंने कैबेज काट के रखा था तो कैबेज डाल दिया है। अगर आप लोग घर में ये हो तो भी डालो, नहीं हो तो मत डालो, पर मेरे पास था तो मैंने डाल दिया क्योंकि इन लोगों को हरी सब्जी से बहुत दिक्कत होती है ना। अब इसमें निकाली ही नहीं, बहुत चलाक हो मम्मा। मम्मा इसमें ये टमाटर भी डाल रही हैं। हाँ इसीलिए तो पीस के डाल रहे हैं कि तुम निकाल ना सको टमाटर। टमाटर तो फिर भी खा लो, लेकिन आपने ये जो क्या कहते हैं कैप्सिकम डाले ना वो नहीं खा पाऊंगी। सॉल्ट तो इसमें सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी थोड़ी देर वेजिटेबल्स होंगी फिर इसके सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने मैजिक मसाला डाला, हाफ डाला है क्योंकि शायद पैकेट में या कहीं भी मैंने सुना था फुल नहीं यूज़ करते हैं, तो जब से मैं हाफ यूज़ करने लगी हूँ। और फिर मैंने चिली सॉस को डाला, थोड़ा सा मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था मैंने थोड़ा उसे डाला, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है तो डालो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर डार्क सोया सॉस थोड़ा सा डाला है क्योंकि बहुत कलर फ़र्क हो जाता है, ब्लैक हो जाती है चाउमीन, तो मैं थोड़ा ही डालती हूँ। मम्मा
ये जो आप चाउमीन बना रही हैं, हाँ? ये देसी है कि विदेशी? आज मैं देसी बना रही हूँ। मेरे पास जितनी भी वेजिटेबल्स थी, सॉसेज हैं, सब उठाकर मैं मस्त बना रही हूँ। आप टेस्ट करना कि बनी कैसे मम्मा की चाउमीन। अरे ये अरे सारा काम मुझे करना पड़ता है। क्या कह रही? सारा काम मुझे करना पड़ता है। देखो ये चाउमीन चला रही है। देखिए जना मिक्स तो कर दिया ना मैंने। तुम ही बना लो। नहीं जाओ तुम ही बना लो। जाओ लास्ट पूरी चाउमीन। हाँ चलो बना लूंगी मैं पूरी चाउमीन। मैंने बनाया, एक मसाला तक मम्मा ने नहीं डाला है। चल छुट्टी आयरा, वो खराब हो जाएगी जिस हिसाब से आप चम्मच चला रहे हो। मुझे आता है बनाना। देखो तो कैसे बन रहा है। इतनी टाइट है भाई साहब। लास्ट का पार्ट पकड़ कर कह रही। नहीं मम्मा मैं कह रही हूँ मिक्सिंग पार्ट आप कर दीजिए। तुम्हारा काम है वो तुम करो। लो ये तुम इसे पकड़ो। मेरी बात तो सुनिए मम्मा आप, ये मिक्सिंग पार्ट आप कर दीजिए। इतनी लजीज चाउमीन बनाई है मैंने। अल्लाह खौफ करो हमारा। अल्लाह का खौफ करो। झूठ बोलने में जरा से भी नहीं शर्म आती। मैंने झूठ कब बोला? कुछ देर होने दो। बहुत ही ज्यादा होशियार बच्ची। देखिए जब तक होशियार नहीं रहूंगी तब तक कोई काम नहीं कर पाऊंगी मैं। इसीलिए अच्छा, मैं इतनी गंदी लग रही हूँ तुम। बाल अपना सही नहीं करवाया? नहीं मुझे बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही, विलेज वाली। कैसे? बिल्कुल टाइट छोटी नदिया के पार वाली। हाँ तुमने देखा नहीं होगा, खैर एक मूवी है नदिया के पार। हाँ, उसमें वो आपके जमाने वाली छोटी। ए मैडम इधर, आपका जमाना नहीं मेरा जमाना। दिया ना मेरी मम्मी करती थी, मैं नहीं कर पाती। मैंने यूट्यूब से सीखा। हाँ, आप लोगों को मैंने बोला था छोटी की बात बताऊंगी। कल मेरी आज मेरी इंग्लिश एजुकेशन का वो था प्रैक्टिस कह रही हूँ, फाइनल था। तो मैम ने बोला था कि मतलब तुमको ये ऐसी चोटी लेकर के आनी है, पोनीटेल लेकर के आनी है तुम्हें। वो जो झूले वाली नहीं होती है। हाँ, इस ये वाली चोटी इस साइड और ये वाली चोटी इस साइड। तो वैसी चोटी साइड की है, कमेंट में बताइएगा। मैंने की है। तो पता है उस रात मम्मा जब रिबन लेके आई तो हाँ कल मम्मा जब रिबन लेके आई तो रात में बढ़िया अपना आराम से देख रही थी। हाँ ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। वही मैं सोच रही थी कि इतने आसानी से कैसे बना ली अपने जमाने की चोटी। What you mean, मेरा जमाना मेरे जमाने में अगर YouTube होता ना तो आग लगा देती थी आग। तुम्हारे जैसे मैं भी बात करती थी। घर वाले बोलते थे कि क्या कहते हैं बातूनी आयशा है। अबू बकर कहाँ है? आप ही को तो पढ़ी हूँ। मोह माया से दूर बेचारा मजबूर। देखो इनको रुलाएं। आय अल्लाह रे, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं तुम्हें भी मिल जाएगी चौमिन। आय अल्लाह रे, तीन बार आप लोग सिर्फ ये बोलो अबू बकर से मिलना। आय अल्लाह रे, अबू बकर रोने लगा। आय अल्लाह रे, आय अल्लाह रे रोने लगा। ये देखो बस इनको तीन बार बोलना पड़ता आय अल्लाह रे। मैंने बोला तीन बार रोने लगा। रहने दो भाई साहब, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स देखेंगे हंसेंगे अबू बकर रो रहा था व्लॉग में अपने अपनी। आय अल्लाह रे, चौमिन खाना है? नहीं बोलेगा। आय अल्लाह रे, तुम चुटिया पकड़ के उसको। मम्मा पता है देखिए मैंने चौमिन जल गई। अरे बाप रे, मेरी मेहनत की चौमिन जल गई। जली की नहीं? अरे पागल मजाक कर रहे थे। हो गई है खाने, सर्व करें? हाँ मम्मा सर्व करिए। मैं अपनी ही बनाई हुई चौमिन को मार्क्स दूंगी 10 out of 10। तो मैं सर्व करती हूँ, फिर इनसे पूछती हूँ हमारा तुमने चौमिन अपनी कैसी बनाई है, बेचारी कितनी मेहनत करी है। और क्या, चलो शक्ल तो अच्छी लग रही ना मायरा। अच्छी खाने में बताओ कैसी लग रही। लजीज, 10 out of 10 दूंगी मैं इस चौमीन को। देखा पुरानी आदत है मायरा, बचपन से ऐसी खाती है। बिस्मिल्लाह वाला बकतिल्ला उदाकीर। वाकई में गाइस बहुत अच्छी बनी है। इसकी शक्ल भी अच्छी लग रही है, इसके टेस्ट में भी कोई कमी नहीं है, और घर की है, साफ है, सुथरी है। अभी भी इस बच्चे ने शिमला मिर्च निकाल के मुझे दी। मुझे भी बच्ची बोलेगा मैं भी निकाल लूंगी। हमारा खाने लगती है तो पता है आप लोगों को, फिर ध्यान नहीं देती। ए शिमला मिर्च नहीं निकला, अच्छा नहीं पूरी चौमीन ले लूंगी मैं। इन लोग ऐसे ही करते हैं गाइस, बिल्कुल मतलब सब्जियां निकालने लगते हैं। बाय बाय, अब अमायरा करेगी चौमीन को एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।